गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नहीं बेटा, नहीं, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं बेटा, एक्सरसाइज करवानी है, जो जो चैप्टर करवाया था प्रत्यय वाला उसकी। बेटा आज पहले मैं एक बार आपको एक मैसेज दूंगी, और जो मेरे पास जो बच्चे हैं, जो पार्ट थ्री के जो स्टूडेंट हैं, पार्ट थ्री बेटा, अभी मैं आपको ये बार बार कह के, कितनी बार मैंने आपको बताया, अभी जो ग्रुप बने हुए हैं, आपने सबने कंफर्म किया अपने पेरेंट्स के नंबर पर? किस किस को मिला के भाई, यहाँ पेरेंट्स के नंबर से ग्रुप में हम ऐड हैं? पारस, और बताइए, और कोई? हाँ, फोर में हो बेटा आप, हाँ फोर में हो। हाँ लक्षिता बोलिए, गुड मॉर्निंग। अभी मैं उन बच्चों के नाम बोलूंगी जो बच्चे मेरे पास हैं, ठीक है? जो बच्चे मेरे पास हैं मैं उनके नाम बोलूंगी। आपकी जो प्रीति मैम है, वो जागृति मैम, प्रीति मैम और भावना मैम, उनसे बोलो मैम आपके पास जो बच्चे हैं आप प्लीज एक बार उनके नाम बोल दो क्लास में, ताकि हर बच्चा कंफर्म हो जाए कि आप किसके पास हो। फिर आप उन मैम से आप उनके नंबर लेके और अपने जो नंबर आप ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, ठीक है? हाँ ठीक है, हो गया। तो अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सभी सुनिए, फीस के रिगार्डिंग बेटा। 15 जून तक, 15 जून तक आपकी जो फीस है, ट्यूशन फीस जो है आपकी, वो हाफ रहेगी। यानी कि जो आपकी 8th की 2500 रुपए फुल फीस होती थी, अगर आप 15 जून तक भर देते हो तो आपकी एक महीने की 1250 रुपए ही लगेगी, यानी कि ट्यूशन फीस आधी अप्रैल और मई की। हाँ बेटा, ट्यूशन फीस को ही मंथली फीस बोलते हैं, महीने की फीस है एक महीने की, ठीक है? अगर 15 जून तक आप जमा कर देते हो, अगर आप लोग सभी जो है अपने पेरेंट्स से कहिए, अगर आप 15 जून तक आपकी अप्रैल और मई की, और ये जून भी, ये 3 महीने की फीस अगर आप 15 जून तक जमा करवाते हो, तो 3 महीने की आपकी हाफ ऑफ लगेगी। अगर इसके बाद करवाओगे तो आपकी फुल फीस लगेगी। सभी बच्चे जस्ट इस क्लास के बाद सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को बता देंगे ये बात। बेटा इसमें आपका ही फायदा है कि आधी, एक तो आप 2500 2500 2500 3 महीने की भरोगे, 7500 रुपए हो गई, और एक आप आधी आधी भरोगे उसकी, तो आपको तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है? तो अभी सभी अपने पेरेंट्स को ये बात बताएंगे, ठीक है? और मैं नाम बोल रही हूँ उन बच्चों के, नाम बोल रही हूँ जो मेरे पास हैं। अभी जो भी बच्चा यहाँ पर है वो यस मैम बोलेगा। जो एक ही नाम के दो बच्चे हैं, उनका फादर नेम मैं, उनके फादर नेम मैं बोलूंगी।
देखिए बेटे, सबसे पहले शिवम, शिवम है क्लास में? शिवम, फादर नेम मुकेश कुमार बावल? नहीं है। नरगिस, नरगिस, ओके बेटा। युवराज, युवराज नहीं है। आरती, ये आरती तो गई बेटा। शालू, शालू है क्लास में? गोयल, गोयल, दिशांत, दिशांत, महिमा, आशीष, हंसराज, आयुषी, पीयूष, पीयूष तो रोज होता है क्लास में, पीयूष। मयंक, हर्षिता, हितेश, आदित्य, अभिमन, हितेश है, हितेश बेटा, फादर नेम बोलो। हितेश, हितेश। संदीप कुमार रसियावास से? तो ये आप हितेश नहीं हो बेटा, हितेश है ये वाला हितेश है, संदीप रसियावास से, ये वाला मेरे पास है। हितेश के बाद आदित्य, अभिमन्यु, लकी, प्रिंस, प्रिंस बावल से बेटा। राजेश कुमार है फादर नेम, तो ये प्रिंस राजेश कुमार वाला मेरे पास है बेटा, आप नहीं हो। नैतिक, विवेक कुमार, निशांत, निशांत, मनीष, मनीष है क्लास में? प्रशांत, नितेश, नितेश बेटा फादर नेम बोलो। नहीं, आप नहीं हो मेरे पास। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। हाँ, आप नहीं हो मेरे पास नितेश। एक मिनट, एक मिनट। नितेश फिर से बोलो फादर नेम। बावल से? हाँ बेटा, आप हो मेरे पास। ओके। अनमोल, अनमोल, हरीश, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बेटा हरीश है, हरीश, फादर नेम करण सिंह। यस मैम, यस मैम, यस मैम, भावना मैम और जागृति मैम। यस मैम, ओके मैम, ओके मैम। बेटा हरीश, हरीश, हरीश खरखड़ी से बेटा, ये तो आता है भी, ये क्लास में तो ये लेता है। दोनों भाई हरीश और मयंक अभी नहीं है आज क्लास में, हरीश मयंक। चलिए नेक्स्ट, भाविक, भाविक,
निशा, हिमांशी, निशा, हिमांशी, वंशिका, वंशिका बेटा फादर नेम है नरेंद्र सिंह रुद्र से, ये वंशिका, ठीक है आप ही हो बेटा वंशिका, ये वंशिका, हिमेश, हिमेश चौहान, हिमेश क्लास में है, और निशा, एक और निशा शाहपुर से, अभी आपकी देखो कितनी गलत बात है बेटा ये। अभी मैंने जितने भी बच्चों के नाम बोले हैं 1 2 3, 3 बच्चे ही मेरे को क्लास में दिखे, अभी 3 बच्चे सिर्फ, बहुत गलत बात है ये बेटा आपकी। क्या फायदा ऑनलाइन क्लास लेने का जब 32 में से 3 ही बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो? अभी जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन किया है मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, 15 जून तक आप अपनी फीस सबमिट कीजिए। 15 जून तक अगर आप फीस सबमिट करते हो तो आपकी हाफ ट्यूशन फीस लगेगी, जितनी 2500 रुपए थी उसकी हाफ लगेगी अगर 15 जून तक आप जमा करते हो, उसके बाद आपको ये कंसेशन नहीं दिया जाएगा। ओके अभी बुक खोलिए ग्रामर की, ग्रामर की बुक ओपन कीजिए सभी। एक्सरसाइज करवा दिया आपने, और बेटा आपका जो मई का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक चीज रहती है आपकी शब्द भंडार में से एक चीज करनी है, वो आपको करनी है, बाकी मई का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो चैप्टर था आपका 7 चैप्टर प्रत्यय वाला, ये हमारा नेक्स्ट मंथ में जा रहा था, अभी हम अपना नया काम जो हमारे नेक्स्ट मंथ का है उसको अभी स्टॉप करते हैं, लेकिन आज मैं इसकी एक्सरसाइज आपको करवा देती हूँ, ठीक है? ठीक देखिए बेटा पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, उस शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, 4 शब्द दे रखे हैं, ऐसा शब्द हमने ढूंढना है जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। अभी देखिए आपके ये 4 शब्द दे रखे हैं, ससुराल, स्वतंत्रता, गर्माहट और दर्शनीय। क्या दे रखे हैं? ससुराल, स्वतंत्रता, एक है गर्माहट और एक दर्शनीय। इन चारों में से ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो वो शब्द अलग करना है। अब ये देखो, अब आप इसमें से अब बेटा अभी मैं, वेरी गुड, स्वतंत्रता इज राइट, स्वतंत्रता राइट होगा। अब आप इनमें से क्या निकालोगे, आगे का ये निकालोगे तो देखो क्या बच जाएगा, हम इनमें से कुछ नहीं निकाल सकते। इसमें क्या है, ससुर प्लस आल, ये है। इसमें क्या है, स्वे प्लस तंत्र प्लस ता। इसमें क्या है, गरम प्लस आहट। इसमें क्या है, दर्शन प्लस ईयर। ये देखिए अब ऐसा इनमें, यही एक ऐसा है जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्वतंत्रता, यानी कि आगे का टुकड़ा भी निकल जाए और पीछे का भी निकल जाए और बीच में हमारे पास मूल शब्द बन जाए,
ऑसो शब्द हमने इन चारों में से देखना है कौन सा है। क्लियर हो गया ये? अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का आंसर आएगा अपमानित। अपमानित टिक कर लीजिए, अपमानित। उससे नेक्स्ट में आएगा बदनसीबी। बदनसीबी उससे नेक्स्ट में परिश्रमी। उससे नेक्स्ट में परतंत्रता। हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, उस शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए जिसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ हो, यानी कि जो पीछे वाला जो टुकड़ा होता है हमारा, ये प्रत्यय पीछे वाला, ये दो प्रत्यय हो जिसमें। अभी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, जिसमें दो प्रत्यय दिए हो। पहला, इसमें चारों शब्द हम लिख के देखेंगे, पहला क्या दे रखा है, बद नसीबी। नेक्स्ट दिया हुआ है बद चलनी। नेक्स्ट दिया हुआ है मानवीयता। नेक्स्ट दिया हुआ है लखनवी। अब इसमें दो प्रत्यय दिए हुए हैं, देखो ये किस किस से बना हुआ है, ये वाला बद नसीब, इसमें एक प्रत्यय है ई, ठीक है, ये क्या है बद चल, बद चलन, इसमें भी एक प्रत्यय है ई। अब इसमें देखिए मानव प्लस ये प्लस ता, इसमें है बेटा दो प्रत्यय, ये इसमें मूल शब्द ये है, पहले हम इसमें ये लगाएंगे फिर ता लगाएंगे, तो दो प्रत्यय हो गए ना हमारे पास। इसमें क्या दिया हुआ है लखनऊ प्लस ई, ये दिया हुआ है। क्लियर? देखिए अभी कौन से शब्द में दो प्रत्यय हैं, मानवीयता में, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, अगले में दिए हुए हैं, अगले में आएगा ईमानदारी। ईमानदारी में, हाँ जी, ईमानदारी में दार और ई दो प्रत्यय हैं। उससे नेक्स्ट है नैतिकता। उससे नेक्स्ट में आएगा दिखावटी। नैतिकता में बेटा इक और ता, नैतिकता में इक और ता। नेक्स्ट आपको बताया दिखावटी। दिखावटी में आवट और ई दो प्रत्यय हैं, आवट और ई। उससे नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट में सजावटी, इसमें भी आवट और ई दो प्रत्यय हैं। हर्षिका कौन सा थर्ड बेटा, इसी का नैतिकता। माइक ऑफ करो बेटा, बाहर की आवाज बहुत आ रही है। कौन बोल रहा है बेटा, बोलो दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं, आप अगर लेट क्लास में आ रहे हो तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलअप दिए हुए हैं, साइड में आपका मूल शब्द दिया हुआ है, उसमें हमने प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय लगाना है उस शब्द के पीछे और उससे शब्द बनाकर हमने फिलअप में भरना है। यह घोड़ा तो कुछ डैश सा लगता है, मर दे रखा है, मर में हम ईएल प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या दे रखा है? मर, इसमें हम ईएल ईएल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मरियल। ये वाला शब्द आपको फिलअप में भरना है, मरियल। नेक्स्ट दे रखा है उसकी डैश अच्छी नहीं है, और लिख शब्द दे रखा है, लिख प्लस हम आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लिखाई। लिखाई शब्द आपने फिलअप में भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल चवन्नी अठन्नी का डैश समाप्त हो गया है, चल, इसमें ने नो बेटा, चलन चलन, सिर्फ ने प्रत्यय जोड़ेंगे हम, ने चलन। नेक्स्ट दे रखे हैं, सेठ जी डैश का कुछ पता चला, सेठ ही, हाँ जी सेठ ही दे रखा है, उसमें आनी प्रत्यय जोड़ेंगे, सेठ प्लस आनी, सेठानी, फिलअप में आ जाएगा सेठानी। नेक्स्ट, आजकल के नेताओं को चुनकर जनता को बहुत डैश हो रहा है, पछता पछतावा, आवा प्रत्यय बेटा इसमें, ठीक है, आवा पछतावा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, एक शब्द दे रखा है उसमें से मूल शब्द और हमने प्रत्यय अलग करना है। सबसे पहला दे रखा है चिल्लाहट, आप इसमें से आप कैसे प्रत्यय को अलग करोगे बताइए, क्या निकालोगे इसमें? इसमें मूल शब्द है चिल्ला प्लस आहट, नेक्स्ट दे रखा है मिलावट, इसमें भी ये हो जाएगा मिल प्लस आवट, मिल प्लस आवट। नेक्स्ट गरीबी में गरीब प्लस ई, उसमें ये वाले करने बेटा, गरीब प्लस ई, ये वाला ई, बड़ी ई। यस बेटा, यस, बेटा मूल शब्द अगर आप चिल्ल लिखोगे वहां पर, यहाँ पर ये चिल्ल लिखोगे तो इसका क्या अर्थ है? अगर आप इसको चिल्ल कर देते हो तो चिल्ल शब्द जो मूल शब्द होता है उसका तो अर्थ होना चाहिए ना पलक। पलक क्लियर हुआ? मिल प्लस आवट, बेटा हमने जो हमारा पूरा शब्द दिया हुआ है उसमें से जो हम मूल शब्द और प्रत्यय अलग करते हैं तो हमारे मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, चाहे वो अकारांत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे अकारांत हो। यहाँ पर अकारांत इकारांत से मतलब क्या है? यहाँ आ रहा है, आ पर ये शब्द खत्म हो रहा है तभी इसका अर्थ हुआ है। अगर ये ए पे खत्म होता, अकारांत होता, तो इसका अर्थ ही नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धा प्लस आलू। श्रद्धा प्लस आलू। नेक्स्ट है खिल प्लस औना,
ऐसे दिया हुआ है खिलौना, इसका हो जाएगा खिल प्लस औना, औ औ औरत वाला औना। नेक्स्ट नीलिमा का हो जाएगा नीला प्लस इमा, नीला प्लस इमा। नीला प्लस ईमा, हाँ जी, ईमा में बड़ी ई, ये वाला हो जाएगा नीला प्लस ईमा। नेक्स्ट हिस्से प्लस दार, हिस्से प्लस दार, इसी इसी का लास्ट नमक प्लस ईन, ईन में बड़ी ई हो जाएगी, नमक प्लस ईन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। सबसे पहला दे रखा है अभिमान, अभिमान में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, अभी हमारा क्या है, उपसर्ग है, हाँ सॉरी अभिमानी, अभी मान हमारा मूल शब्द और ई हमारा प्रत्यय। ये रे क्वेश्चन है, रे क्वेश्चन का फर्स्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, बद नसीब और ई, किसी के नीचे लिखते जाइए, यहाँ पर आ जाएगा नसीब और यहाँ पर ई। उससे नेक्स्ट में आ जाएगा अपमान और इत, अपमान इत। अभी बताते हैं बेटा, हां जी, अपमानित में छोटी ई, बद नसीब और ई। फोर्थ देखिए, परिश्रम, परिश्रम में परी श्रम, और बेटा इसमें ये परिश्रम दिया हुआ है, आना चाहिए था यहाँ पर परिश्रमी। अगर परिश्रम दिया हुआ है तो हम प्रत्यय में डैश लगा देंगे, प्रत्यय है ही नहीं इसमें, छोटी परिश्रम में लगा दीजिए, उसमें ई नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट लास्ट सफलता में से फल और ता, से उपसर्ग फल मूल शब्द और ता प्रत्यय। दीपिका क्या कर रहे हो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट शब्द दिए हुए हैं,
उसमें हमने प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। धार्मिक, खिलौना, वैज्ञानिक, मिलावट, लालिमा, हो जाएगा ठीक ये वाला छोड़ दो बेटा, अभी ये मिस प्रिंट है। नेक्स्ट में दीवानापन, मृदुतर, चमकीली और गुलक्कड़। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। लास्ट क्वेश्चन एक और है हमारा, यहाँ पर आवा दिया हुआ है, आवा से हम लिखेंगे पछतावा। दिखावा, कौन पूछ रहा है ये, कौन पूछ रहा है, क्या करवा रहे हो? खुशबू, लेट आए हो क्लास में? उड़ान, पठान, मैं करवा रही हूँ बेटा 7 चैप्टर ग्रामर का, उसकी एक्सरसाइज। ईयर, मरियल, सड़ियल, आलू, त्रिपालू, दयालु। पति ने, गुणवती और पुत्रवती। नहीं बेटा, हाँ श्रद्धालु लिख सकते हो। अभी बेटा आज आप अच्छे से अपनी क्लास अटेंड कीजिए, सारे टीचर आपको, जो उनके पास बच्चे हैं वो आपको उनका नाम बताएंगे और आपको पता चल जाएगा आप किस टीचर के ग्रुप में हो। और अभी ये सेक्शन कुछ भी नहीं है बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 जो बना रखे हैं ये सेक्शन नहीं है अभी। आप जिस भी टीचर के ग्रुप में हो आप उनको अपना नंबर ऐड करवा दीजिए। हाँ जी ठीक है बेटा, करा दिया तो आप बोलो ही मत, अभी क्लास में हो गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जिन बच्चों का ये हो गया वो क्लास लीव कर सकते हैं। बाय बेटा। हाँ जी, किसके बाद? गुणवती, पुत्रवती, गुणवती, पुत्रवती।
चलिए बेटा, बाकी बच्चे क्लास लीव कीजिए। सौरभ सेठी, प्रिंस, बाय बेटा, पारस, प्रिंस, बाय बेटा, अमन, अमन रोज, नरगिस, नरगिस बेटा क्लास लीव कीजिए। नरगिस, गार्गी, क्लास लीव कीजिए बेटा। नरगिस, ओके,